शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति दाता कौन? कौन है इस रचना का रचता? हाँ? क्या वर्णन हुआ गीत में? आंख बिना जो सब कुछ देखे, रंग बिना जो रंग भरे, ऐसी रचना किसकी? हाँ? किसकी ऐसी रचना? और जिसकी ऐसी रचना, उस रचता के हम बच्चे। तो हमें बाबा ने कौन सा कायदा दिया है? बाप तो आंख बिना सब कुछ देखे, और हमें बाप ने क्या कहा है? हम क्या करें? हमें तो आंखें हैं। बाबा कहते हैं, देखते हुए न देखो। बाप को आंखें नहीं है और सब कुछ देखता है, और इसलिए सब कुछ देखता भी है और जैसा चाहे वैसे बना सकता है, रंग बिना रंग भर दे। ऐसी सृष्टि रचने वाला रचता कौन? किस उसकी महिमा? गाते रहो तो खूटेंगी नहीं, गाते ही नहीं। और ऐसे बाप ने हमें क्या नियम दिया है? क्योंकि हमें तो आंखें हैं, आंखें भी है और सर्व कर्म इंद्रिया है जिनसे हम कर्म करते हैं। तो हमें बाप ने ये कायदा दिया है। बाबा कहते हैं, मैंने पहला कायदा ये ही दिया है कि देखते हुए न देखो। बाप न देखते हुए सब कुछ देखता है, और हम देखते हुए न देखें तो दोनों की रास मिल जाएंगी। हाँ? तो हम भी बाप समान बन जाएंगे। तो आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, देहे अहंकार छोड़ करके देही अभिमानी बनना है। रोज की मुरली में कभी देही अभिमानी, कभी अशरीरी बनो, कभी अपने को आत्मा समझ करके शरीर से काम कराओ भिन्न भिन्न प्रकार से। यही बाबा की हम बच्चों को तारना कि सदा देही अभिमानी बने रहो, देह अहंकार छोड़कर देही अभिमानी बनो, अपने कल्याण के लिए क्या करो? याद का चार्ट नोट करो, खास याद में बैठो, याद से ही तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब देखो बाबा हमारा ध्यान कितना टेंशन खिंचवाता है। हम तो अमृत वेले योग किया, सारे दिन का योग हो गया। बाबा कहते हैं, खास भी बैठो और अमृत जब भी बैठते हो, योग लगाते हो, योग लगता है, कहाँ तक लगता है, कितना समय लगता है, ये अपना चार्ट लिखो। प्रश्न है आज, बाप ने तुम बच्चों को पहला कायदा कौन सा सुनाया है? यही पहला कायदा, सब कुछ देखते हुए न देखो, अर्थात देखने से चलायमान होते हो तो देखते हुए न देखो, चलायमान न हो। एक बाप की याद सदा बनी रहे। अपनी परीक्षा लेनी है, चार्ट रखो, माना
अपने आप को चेक करो, देखो, अपनी परीक्षा लेनी है। सचमुच मेरी वृत्ति देखने से खराब तो नहीं होती है? तुम्हें हाथ से काम करते हुए दिल से बाप को याद करना है। बाप को याद करने के लिए आंखें बंद करने की तो बात ही नहीं है। अभी मुरली शुरू होती है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में अक्सर करके कोई सन्यासी याद जब बैठते हैं तो आंखें बंद करके बैठते हैं। यहाँ कायदा है, कौन सा? देखते हुए भी चलायमान नहीं होना है। इसलिए बाबा ने हमें योग में भी आंखें तुम्हारी खुली रहे तो खुली आंख से हम अभ्यास करेंगे तो दिन भर जो भी काम करते रहेंगे तो याद में रहना सहज हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कायदा है, देखते हुए भी चलायमान नहीं होना है। अपनी परीक्षा लेनी होती है कि देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती है। बाबा हमें कैसे दिन भर अपने को चेक करते हुए सावधान भी करते रहो और जो बाबा स्थिति कहते हैं वो बनाते रहो। तो बाबा कहते हैं अपनी परीक्षा लेनी होती है, देखने से मेरी वृत्ति खराब तो नहीं होती है। भल हम देखते हैं परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ रहे। मनुष्य भोजन बनाएंगे तो क्या आंखें बंद करके बनाएंगे? तो आंखें तो नहीं बंद करेंगे। इसको कहा जाता है हाथ काम करते रहे, जिसको सिंधी में कहते हैं ना हाथ कार दे, कम कार दे और दिल यार दे। सिंधी भाषा में ऐसे कहते हैं, अर्थात हाथ से काम करते रहो परंतु मन में बाप को याद करते रहो। कर्म इंद्रियों से कर्म लेते रहो पर करते रहो परंतु याद बाप को करो। जैसे स्त्री पति के लिए भोजन बनाती है, तुम बच्चे बाप की सर्विस में हो। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बहुत ओबीडियंट सर्वेंट हूं। बच्चों को किसको बाबा कहते हैं? बच्चों को अर्थात आत्माओं को बाबा कहते हैं। आत्माएं ही समझेंगी, आत्माएं ही इन बातों को फिर समझ करके क्या करेंगी, हमें भी ऐसे करना है। तो बाबा कहते हैं देखो स्त्री जब पति के लिए भोजन बनाती है हाथ से काम करती रहेंगी परंतु बुद्धि में होगा मैं पति के लिए भोजन बनाती हूँ। तुम बच्चे तो बाप की सर्विस में हो तो तुम्हें याद रहे। तुम बच्चे बाप की ही सर्विस में हो। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। ये बाप आत्माओं को कहते हैं। आत्मा कहेंगी स्वीट फादर, आप जो हमको ज्ञान और योग सिखलाते हो हम भी उस सर्विस में ही बिजी है और आपने जो हमें डायरेक्शन दिया है, कौन सा डायरेक्शन?
ग्रस्त मेहमान में रहते, काम करते, घड़ी घड़ी मुझे याद करते रहो। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम रेगुलर याद नहीं कर सकते हो। कोई कहे हम 12 घंटा याद करते हैं, बाबा कहते हैं नहीं माया, घड़ी घड़ी तुम्हें तुम्हारा बुद्धि योग हटाएंगी जरूर, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। माया तुम्हें ऐसे करने एकाग्रता से योग लगाने नहीं देंगी, क्योंकि तुम माया पर अभी विजय प्राप्त कर रहे हो। इसलिए इन आँखों से देखते हुए बुद्धि सदा बाप के साथ रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं, अपने को अंदर देखना है, मेरे को किसको देख के चले मानी तो नहीं आती है। बाप को पूरा पूरा याद करना है, ऐसे नहीं मैं तो शिव बाबा का ही तो हूँ, याद करने की क्या दरकार है। बाबा कहते हैं, ऐसे समझ के क्या बेपरवाह नहीं हो जाना, मैं तो हूँ ही ना बाबा का, याद क्या, मुझे तो याद ही है। बाबा कहते हैं नहीं, खास याद करना है, और वह तुम्हें नोट करके अपने पास रखना है कि सारे दिन में हमने कितना समय याद किया, यथारत रीति से जरूर ये नोट करेंगे, चार्ट वो ही लिखेंगे। बाबा कहते हैं, चार्ट जरूर अच्छे मनुष्य ही लिखेंगे, अच्छी चाल लिखते हैं ना, तो पिछाड़ी वाले देख करके सीखें, बुराई लिखे तो उनको देख करके और भी बुराई सीखेंगे। तो अभी बाप तुम बच्चों को राय देते हैं कि तुमको अपना चार्ट जरूर लिखना चाहिए। नाले तो तुम्हें बहुत है, भारत का ये राजयोग मशहूर है, भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के हठ योग तो बहुत सिखलाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि बाप ने आकर के कौन सा योग सिखलाया था। भल कोई कोई अक्षर भी है, जैसे गीता में है, मन मना भव देह सैत देह के सर्व संबंध छोर माम एकम याद करो। अब ऐसे बाप के लिए जिसके लिए कहा जाता है सब कुछ छोड़, सबको भूल करके माँ में कम याद करो, तो ऐसे बाप के लिए फिर सर्वव्यापी कहना, बाबा कहते हैं ये कितना रांग हो जाता है, कोई याद कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी अर्थ समझते नहीं। बाप समझाते हैं, मुझे बाप को याद करो, ये देह मेरी नहीं है। कृष्ण की आत्मा तो ये कह नहीं सकती, निराकार बाप ही कहते हैं। अपने को भी आत्मा अशरीरी समझो, तुम आत्माएं अशरीरी अर्थात नंगे आई थी। बाबा कहते हैं, बाप ने ये नंगे कहा है तो उन्होंने फिर नागा समझ करके लिया है, वो नागे लोग हैं ना जो ऐसे ही घूमते हैं, वो भी बेचारे हठ योग करके और अपने तपस्या में रहते हैं, तो वो फिर इस प्रकार से अपनी तपस्या करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप ने कहा है तुम अशरीरी अर्थात नंगे आए थे, और उन्होंने फिर नागा समझ लिया है, भक्ति मार्ग में अयथारथ उठा लिया है।
बाप ने कहा अपने को नंगा समझो, अर्थात देह से अपने को अलग समझो, देह अहंकार छोड़ो और देही अभिमानी बनो। सारी आयु तो तुम अपने को देह समझते आए हो, अभी सिर्फ ये अंतिम जन्म, क्योंकि अब तुम्हारा है ये अंतिम जन्म, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। देखो सत्युग में देवताएं आत्म अभिमानी थे, उनको मालूम रहता था कि ये एक शरीर छोड़कर हम जा करके दूसरा शरीर लेंगे, तो खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते थे। सन्यासी तो ये सिखला नहीं सकते, वे तो काल पर जीत नहीं, काल को जीत नहीं सकते हैं। तुम बच्चे काल पर विजय प्राप्त करते हो, तो वे सन्यासी, वे तो है निवृत्ति मार्ग वाले, वे फिर अपने ही सन्यास धर्म में आते रहेंगे। प्रवृत्ति वे फिर प्रवृत्ति मार्ग में सदा रह न सके, वह भी भारत के लिए अच्छा धर्म है। ये सन्यास धर्म भी भारत के लिए फिर भी अच्छा है, क्योंकि वे फिर भी अपने सन्यास धर्म में आएंगे, पवित्र बनते हैं। तो भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाप की बड़ी है। भारत में ही ये सन्यास मार्ग है, तो वे भी रहते तो पवित्र है ना। तो भारत कितना पवित्र था, जिसकी इसकी महिमा गाई जा रही है। सोने की डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, कितने सदा खुश रहते थे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं। तो बाबा कहते हैं पवित्र बनते हैं, इसलिए देखो भारत की महिमा बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है? जितनी बाप की महिमा बड़ी है, वास्तव में भारत की भी इतनी ही है, क्योंकि ये भारती तो पवित्र था, अभी पवित्र नहीं है। ये भारत वास्तव में सबका तीर्थ स्थान है, सभी मनुष्य मात्र की अभी फिर से सदगति होंगी। कहते भी है ना, गॉड इज लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते हैं। अगर भारतवासियों को मालूम होता, अगर ये बातें सब भारतवासियों को मालूम होती तो क्या होता, तो फिर ये कभी भी सर्वव्यापी नहीं कहते। देखो शिव जयंती भी तो यहाँ मनाते रहते हैं, यहाँ ही तो गाते हैं, गाते रहते हैं हे पतित पावन। तो हे पतित पावन किसको कहते हैं? निराकार को ही तो याद करते हैं। तो ये सब भारतवासी गाते आते हैं, क्योंकि सबसे जास्ती पावन भारती बना है, भारतवासी ही सबसे जास्ती पावन बनते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को जब ये सब बातें समझाई गई हैं, तो तुम समझते हो बरोबर, ये तो बिल्कुल राइट बातें हैं। बाकी शास्त्र तो अनेक प्रकार के बने हुए हैं, हर धर्म वाले अपने अपने किताब बनाते रहते हैं। नए नए धर्मों का भी जब शुरू होता है तो पहले मान जरूर होता है। भारतवासी तो फिर सत्युग त्रेता में तो इतने ऊंचे थे, फिर द्वापर से तो गिरते ही आए हैं, और द्वापर में ही फिर द्वापर से और धर्म शुरू होते हैं। तो अब तो भारत
सारा ही पतित बन पड़ा है। सारी दुनिया पतित पावन बाप को याद करती रहती है। ऐसे बाप का जन्म भी, जिस बाप को सारी दुनिया याद करती है, उसका जन्म भी तो इसी भारत में ही हुआ है। बाबा भारत कितना महान है, भिन्न भिन्न प्रकार से बताते रहते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी तो देखो भारत में ही है। अगर इस बात को अच्छी रीत कोई जान ले तो सभी एक पर ही फूल चढ़ाते रहे, क्योंकि वह एक ही सबका लिबरेटर है। और ये जान ले, हमारा तो एक दूसरा न कोई। देखो कोई मरता है उस पर भी फूल चढ़ाते हैं। शिव बाबा तो मरते नहीं है, शिव बाबा तो सबको शांति धाम में अपने साथ ले जाते हैं। फिर इसलिए शिव बाबा के जहाँ तहाँ मंदिर बने हुए हैं। विदेश में भी शिवलिंग को सब पूजते हैं, परंतु उनको यही पता नहीं है कि इनको क्यों हम पूजते हैं।